हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर अनून और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल F2 फ्रीकिंग फैक्ट में। आज मैं आप लोगों के सामने हमारे भारतीय विश्व धरोहर ताजमहल के बारे में कुछ ऐसे तथ्यों को लेकर आया हूं, जिसे सुनने के बाद आपको भी लगने लगेगा कि हमारे वास्तविक इतिहास से छेड़छाड़ की गई है और उसे अपनी मर्जी के मुताबिक बदला गया है। तो चलिए देखते हैं आखिर वो तथ्य है क्या। हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि ताजमहल शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज के प्रेम में बनवाया गया था, लेकिन क्या ये सच है? अगर ये सच नहीं है तो सच है क्या? आज मैं आप लोगों को शाहजहां या मुगलों द्वारा ताजमहल न बनवाने के तथ्य के बारे में बताने वाला हूँ। पहला साक्ष्य, ताजमहल के मुख्य गुंबद पर एक कलश स्थित है, जो कि किसी मुगलिया वास्तुकला का सबूत नहीं है, बल्कि ये हिंदू मंदिर होने का साक्ष्य है। कांसे का बना ये कलश 1800 ईस्वी तक सोने का था और अनादिकाल से ही हिंदू मंदिरों में स्वर्ण कलश स्थापित करने की प्रथा रही है, चाहे वो सोमनाथ मंदिर हो या मैहर का शारदा मंदिर। दूसरा साक्ष्य, उसी कलश पर चंद्रमा की आकृति बनाई गई है। कलश की नोक और चंद्रमा की दोनों नोक मिलाकर त्रिशूल का निर्माण करते हैं, जो कि हिंदू देवता भगवान शिव का प्रतीक है, जैसा कि आप वीडियो। तीसरा साक्ष्य, ध्यान से कलश को देखने पर पता चलता है कि कलश पे नारियल रखा हुआ है और नारियल के नीचे झुके हुए दो आम के पत्ते रखे हुए हैं, तब इसके नीचे कलश दिखाया गया है। आप सबको तो ये पता ही होगा कि कलश के ऊपर आम के पत्ते और उसके ऊपर नारियल हिंदू पूजा में ही प्रयुक्त किए जाते हैं तथा ऐसी कलाकृति हिंदू मंदिरों में ही बनाई जाती है। यहाँ तक कि ताजमहल का गुंबज भी कमल की आकृति का बना है, जो कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने का सबूत। चौथा साक्ष्य, हम सब ने पढ़ा है कि ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 1653 में इसका निर्माण खत्म हो गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि मुमताज की मृत्यु ही 1631 ईस्वी में हुई, तो क्या 1631 में ही मुमताज को ताजमहल में दफना दिया गया था, जब ताजमहल का निर्माण भी शुरू नहीं हुआ था? इतिहासकार जे ए मार्डिल्सलो ने मुमताज की मृत्यु के 7 वर्ष बाद वॉयजेस एंड ट्रेवल इन टू द ईस्ट इंडीज नाम की पुस्तक में आगरा का तो उल्लेख किया है, पर ताजमहल का कोई उल्लेख नहीं किया। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस ताजमहल का निर्माण 20,000 मजदूरों ने 22 साल तक किया, क्या उस ताजमहल के इतने विशाल निर्माण कार्य का उल्लेख मार्डिल्सलो अपनी किताब में नहीं करता? पांचवा साक्ष्य, ताजमहल के नदी के तरफ के दरवाजे की लकड़ी के एक टुकड़े की कार्बन डेटिंग जांच से पता चला है यह लकड़ी शाहजहां के काल से भी 300 साल पुरानी है। ताजमहल के दरवाजे को कई बार तोड़ा गया है खजाने को लूटने के लिए और बंद करने के लिए नए दरवाजे लगाए गए हैं। ताजमहल और भी पुराना हो सकता है। हाँ, शाहजहां के शासन से 300 साल नहीं बल्कि और भी कई सौ सालों पुराना हो सकता है। छठवां साक्ष्य, ताजमहल के दक्षिण में एक प्राचीन पशुशाला है। अब ऐसे में मुस्लिम मकबरे में पशुशाला का होना हजम नहीं। इन तथ्यों को देखने से यही लगता है कि यह ना तो ताजमहल है और ना ही इसे शाहजहां ने बनवाया है। अब सवाल ये उठता है कि जब यह ना ताजमहल है और ना ही इसे शाहजहां ने बनवाया है, तो आखिर ये है क्या और इसे बनवाया किसने? तो चलिए बताते हैं। कुछ इतिहासकारों के शोध के मुताबिक ताजमहल का निर्माण राजा परमादिदेव ने 1155 ईस्वी में करवाया था और इसका नाम तेजो महालय रखा गया था, जो कि एक शिव मंदिर था। बाद में यह मुगल आक्रमणकारियों द्वारा लूटा गया और शाहजहां द्वारा इसे मुगलिया और इस्लामिक स्वरूप दिया गया। तेजो महालय का नाम तेज लिंग नामक स्थापित शिवलिंग के कारण पड़ा। तेजो महालय को नागनाथेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शिवलिंग की जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। ताजमहल के दक्षिण में जो पशुशाला है, वहीं पर तेजो महालय की पालतू गायों को रखा जाता। अब हम आपको बताते हैं ताजमहल के तेजो महालय होने के साक्ष्य। पहला साक्ष्य, मुमताज के मकबरे के ऊपर एक जंजीर लटक रही है, जो कि इस बात का सबूत है कि पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाला स्वर्ण कलश हुआ करता था और मकबरे की जगह शिवलिंग हुआ करता था। बाद में शाहजहां ने स्वर्ण कलश निकालकर खजाने में रख दिया और जंजीर बस लटकती रह गई। बाद में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटकवा दिया, जो आज भी आप देख सकते हैं। दूसरा साक्ष्य,
यहाँ सवाल ये उठता है कि मकबरे को महल क्यों कहा गया? क्योंकि पहले से ही निर्मित महालय को मकबरे में बदला गया था और शाहजहां से यहीं पे गलती हुई नाम रखने में, क्योंकि महल मुस्लिम शब्द नहीं है। इससे यही लगता है कि शाहजहां ने तेजों को ताज और महालय को महल कर दिया। तीसरा साक्ष्य, हमें बताया गया कि मुमताज के नाम पर ही ताजमहल का नाम रखा गया था, लेकिन सच तो ये है कि शाहजहां की बीवी का नाम मुमताज नहीं था, बल्कि उसकी बीवी का नाम मुमताज उल जमानी था। अब जब उसकी बीवी के नाम में ताज शब्द है ही नहीं, तो ताजमहल उसके नाम पर रखा कैसे गया है? इससे प्रमाणित होता है कि ताजमहल का नाम मुमताज के नाम पर नहीं, बल्कि तेजो महालय के तनिक परिवर्तन से रखा गया है। चौथा साक्ष्य, मुमताज के कब्र वाले कमरे में केवल सफेद रंग के ही संगमरमर हैं और पुष्पलता आदि से चित्रकारी की गई है, तथा संगमरमर की जाली में 108 चित्रित कलश हैं। हिंदू परंपरा में कलश व 108 की संख्या बहुत ही पवित्र मानी जाती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ताजमहल कोई ताजमहल नहीं, बल्कि एक हिंदू मंदिर था। अब मैं आपको ताजमहल के पहले की छोटी सी कहानी बताता हूँ। ताजमहल आगरा में है। आगरा पहले अंगिरा हुआ करता था, जो कि महर्षि अंगिरा के नाम पर है। प्राचीन काल में ही अंगिरा में 5 शिव मंदिर बनवाए गए थे, बालकेश्वर, राजराजेश्वर, पृथ्वीनाथ, मानकामेश्वर व नागनाथेश्वर, जिनमें नागनाथेश्वर या तेजो महालय को ताजमहल में परिवर्तित कर दिया गया। हमें जो ताजमहल का इतिहास पढ़ाया जाता है वो एक मनगढ़ंत इतिहास है, जबकि सच्चाई तो ये है कि 1632 से ही तेजो महालय को इस्लामिक लुक देने का कार्य प्रारंभ हुआ था। 1649 ईस्वी में इसका मुख्य द्वार बना, जिसमें कुरान की आयतें तराशी गई। जिन पत्थरों पर कुरान की आयतें तराशी गई, उनके पत्थरों के रंग में हल्का पीलापन है, जबकि शेष पत्थर श्वेत रंग के हैं, जिससे साबित होता है कि ये बाद में लगवाया गया है। ताजमहल के आसपास की मीनारें व फव्वारा भी बाद में ही बनाया गया था। सारे तथ्यों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर कोई सुझाव है तो वह भी दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।